हेलो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सिर्फ समाचार। मैं सिंदा मलिक। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरीश मिश्रा जी, जो कि बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। ये जो इस वक्त एक पर्चियां बांट रहे हैं जो कि 11 पॉइंट्स में है, क्या है इस मुद्दे को लेकर, आइए इन्हीं से जान ये बताइए। ये काफ़ी चर्चित में है, 11 मुद्दों पर आप पर्चियाँ बांट रहे हैं, तो ये क्या है? देखिए, ये सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी की सरकार है, जो मोदी की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर पहले तो हिंदू मुसलमान, फिर CNRC, फिर कोरोना काल, उसके बाद अब किसानों के मुद्दे पर डाइवर्ट करके जो हमारा मूल अधिकार है, जो हमारा मूल सवाल है, जो वाजिब सवाल है, उससे सरकार लगातार पैर पीछे खींचते नज़र आती है, हमको बरगलाने की कोशिश करती है। जबकि एक आम आदमी को जो हमारे 11 सवाल है, मैं उसको क्रमवार आपको शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ। पहला जो सवाल है, सबसे बेहद गंभीर सवाल है कि यूपी के सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया गया, जो कि मानक के आधार पर नहीं है, वो मानक के विपरीत जो है बड़ी तेजी से भाग रहा है, और जहां 200-300 रुपए का बिल आना चाहिए वो 2000 आता है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली का बिल क्यों है, ये सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, योगी सरकार दे दे। तीसरी बात यह है कि पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो लगातार आसमान छू रहा है, ये इस पर योगी और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या जवाब देती है। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंट्रोल है, मतलब कि जो सरकारी गल्ले की दुकान है जहाँ से हमको गेहूं चावल सरकारी रेट में मिलता है, हम गरीबों को जी इको पार्जन का एक मजबूत स्तंभ है, अब उसको भी जो है कि तीन काले कृषि कानून के आधार पर जब उसका एनालिसिस हो रहा है तो वो भी बंद होने के कागार पर है। चीनी गायब है, गेहूं गायब है, चावल गायब है, चना के दम पर जो है हम लोगों को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, तो ये पूरी तरीके का जो फर्जीवाड़ा है, पूरे तरीके का जो एक अच्छा सबसे बड़ी बात यह रसोई गैस सबसे ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है, इस पर नियंत्रण जो भारत की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, नहीं कर पा रही है। मतलब सीधे सीधे ये है कि सारा प्लान जो है कॉरपोरेट घराने के तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है योगी सरकार, मोदी सरकार, और हम गरीब गुरबों को तनहा और अकेला और अनाथ सा छोड़ दिए। तो सरकार की जिम्मेदारी को तय करने के लिए, सरकार की जवाबदेही को तय करने के लिए हम लोगों ने यह पर्चा जारी किया है, बनारस के तमाम घरों में जा रहे हैं, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमको लगता है कि इन सवालों पर बनारस एक साथ हमारे साथ खड़ा होगा और सरकार से सवाल पूछेगा। जी, जैसा कि सोमवार को वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट का पेश किया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदया, ये बजट नहीं है, ये सेल है, भारत का सेल है। कुछ लोग इस चीज़ों से बहुत खुश हैं, और देखिए वो वही लोग हैं जो शिक्षा से नफरत करते हैं, ये वही लोग हैं जो शिक्षा संस्थानों में राजनीति करने पर आमादा हैं, हिंसा भड़काने पर आमादा था उनसे किसी देश के, ये वही लोग गद्दार लोग हैं जो देश के वाजिब इतिहास को पलटना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी, राजनाथ सिंह जी, ये टॉप शीर्षस्थ जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये नफरत की आग में जलते हैं बहन, इस बात को समझिए आप। आप इनसे बहन बेटियों के बलात्कार के सवाल पर सवाल पूछिए, ये आपको जेल कर देंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप हमारी बहन हैं, अगर आप अपने अस्मिता के सवाल पर सवाल पूछें आपको जेल डाल दिया जाएगा। मनदीप पुनिया एक पुख्ता प्रमाण है आपके सामने। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मला सीतारमण जी कहने को वित्त मंत्री हैं, लेकिन वो लुटेरा मंत्री हैं, किसकी? भारत सरकार की। किसके दायरे पर? भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर। आप एक बात बताइए, हमारा भारतीय रेल अब तो वो प्राइवेट हाथ में हो गया, अब उसको कहा जाएगा कि तुम्हारा अडानी का रेल, हमारा भारतीय रेल से तब्दील हो गया, अडानी के पास चला गया। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, हमारे सड़क बेचे जा रहे हैं, हमारे रोडवेज बेचे जा रहे हैं, हमारे रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। तो ये सेल 2021 है, ये बजट 2021 नहीं है, ये बजट। अच्छा, दूसरी बात यह है नरेंद्र मोदी, ये बजट में सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन इसको बजट में सस्ते हो गए हैं। सिस्टर, हमें रोटी की ज़रूरत थी जी। कोरोना काल में नोटबंदी के गलत स्टेप के बाद, GST के गलत स्टेप के बाद, और कोरोना काल में मंदी होने के बाद हमें रोटी की ज़रूरत थी, हमें ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। आपकी बात सही है, सोना चांदी तो आप देखिए ना कि सरकार का नज़रिया क्या है।
कौन सोना चांदी इस दौर में खरीदेगा? जो कॉर्पोरेट घराने का होगा, जिनके पास काले धन होंगे, जो महिलाओं की तो सबसे ज्यादा चिंतित यही होती है ना कि सोने चांदी महंगे हो रहे हैं, अब उसके दाम घट गए हैं। नहीं, महिलाओं को ये, अगर आपकी ये सोच है तो ये मैं इसको सीरियस नकारता हूँ। महिलाओं को इस दौर में, इस बुरे दौर में अपनी अस्मिता, अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा जो सवाल है, उस पर चिंतित होना चाहिए, सोने चांदी पर नहीं चिंतित होना चाहिए। और महिलाएँ कैसे खुश हो पाएंगी? आप एक बात बताइए, घर में जब सिलेंडर वाला 1,000 रुपया सिलेंडर लेके जाता है तो वो महिला का बजट बिगड़ता है, दूध वाले को जब पैसा देना होता है तो महिला का बजट बिगड़ता है, बच्चा जब किसी सामान के लिए रोता है तो सबसे ज़्यादा दर्द महिला को होता है। तो इस ये सरकार जो है महिला विरोधी सरकार है, इस बात को आप जान लीजिए। और महिलाओं के साथ तो इनका जरा सा भी, ये तो पुरुषवाद के पैदाइश के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी निर्ममता और क्रूरता से इस देश को बेचना चाहती है। शासन और सत्ता में बजट का नाम लगा करके इसको सेल लगाई है, पूरा देश बिकने के कगार पर है। हम इसका विरोध करते हैं और 70 साल में ऐसा, आप इसका विरोध करते हैं तो इस चीज़ को कैसे सुधार मिलाया जा सकता है? जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। इस चीज़ को बदला जा सकता है ईवीएम पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट न दे करके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर विश्वास न कर। आप कह रहे हैं देश की संपत्तियां बिक गई, तो आपकी सरकार होगी तो उसे कैसे वापस लाएगी? जैसे देश की संपत्तियां बिक गई उसको वैसे वापस कर लेंगे मलिक जी। देखिए एक बात बताएं, ये मैंडेट के आधार पर जो है हमारी देश की, मोदी जी क्या किए, मैंडेट मिल गया उनको, संपूर्ण मैंडेट मिल गया, उन्होंने उठा करके कॉरपोरेट घराने में दलाली शुरू कर दी, देश की संपत्तियां बेच दी। अडानी अंबानी ना है कि कोई ब्रिटिश सरकार का कोई होगा हमारे देश के अंदर मालिक। हम मैंडेट के अंदर जाएंगे, हमको जनता मैंडेट देगी, हम सदन के अंदर जाएंगे, हम 24 घंटे के अंदर जितनी प्राइवेट संपत्तियां की गई हैं सरकारी से मोदी जी के द्वारा, जो उसको मैं सरकारी में तब्दील कर दूंगा, हमारी सरकारी संपत्ति फिर से एसेट्स हमारे स्टैंड हो जाएंगे। हाँ, ये है कि उसमें जो लूट की गई है उसके खिलाफ एक बड़ा कानून बनाया जाएगा और उसके तहत जो है देश के जो भी लुटेरे लोग हैं, चाहे मिनिस्टर होगा चाहे व्यापारी होगा, वो जेल के अंदर जाएगा और उसको भारत की आत्मा को बेचने का जो उसने कुकर्म किया उसको मुकम्मल जवाब मिलेगा, इस बात को जाने। और जैसा कि आपने कहा युवाओं को रोजगार के मामले में, तो इस आपकी सरकार होगी तो क्या ऐसे युवाओं को रोजगार प्राप्त कराएगी? देखिए पिछली बार भी हमारी सरकारें ही थी, हमारी सरकारों में आप देख लीजिए, रेलवे में हर साल 3-4 लाख नौकरियां हम देते थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए रोजगार का संकट कहाँ आ गया, रोजगार का संकट तब आ गया जब सारी सरकारी कंपनियाँ जो हैं उसको बेचने के ऊपर उतारू हो गई मोदी सरकार, तो वहाँ रोजगार संकट में आ गया। जो है हमारा रेलवे रहेगा, हम रेलवे में 5-7 लाख नौकरियाँ देंगे, हम माने सिपाही भर्ती करेंगे, हम प्राइवेट, अब तो जो प्राथमिक विद्यालय उसको भी प्राइवेट करने का योजना चल रहा है, वो सारी चीज़ें जब सरकारी होंगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, तो उसमें हम लोग जो है लोगों को भर्ती करेंगे और सरकारी तौर पर जो उनको अटेस्टेस्ट करेंगे, उनको भारत के अंदर जो है जीने का अधिकार देंगे। जैसा कि आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्या जब आपकी सरकार थी निर्भया कांड हुआ था तो आपकी सरकार थी? नहीं, आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ इस पर। जो है दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ तो जनता ने सजा दिया हमको, हमको जनता ने फुल, हमारी मैंडेट थी, हमारी सरकार गिर गई सिर्फ एक निर्भया कांड के लेकर के, लेकिन फिर भी हमने जो है निर्भया फंड बनाया, हमने जो है निर्भया का कानून बनाया, जिस कानून को सन 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया, बलात्कारियों के पक्ष में ले जाके खड़ा कर दिया। आपको हम एक बात बता दें, आप सर्वे रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि पिछली सरकारों में जो रेप के और हत्या के जो मामले थे, वो रेप और हत्या के मामले में और अब के रेप के और हत्या के मामले में काफ़ी कम थे। जो है इसका ये मतलब था कि हमारी सरकार महिला बहन बेटियों के इज्जत के सवाल पर काफ़ी गंभीर थी और उस पर मुकम्मल निर्णय लेती थी। दूसरी बात आपको हम बता दें, अब जनता के साथ साथ पुलिस और नेताओं का जो हमला है बहन बेटियों पर, ये भारतीय जनता पार्टी में है, ये हमारे सरकार में नहीं हो पाएगी। जो भी नेता थे, जो कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए रैलियाँ निकाली गई, चिन्मयानंद के को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुकदमा तक किया गया, उन पीड़िता को जो है धक्का मार के जला दिया गया, और सब तो छोड़िए बहन जी, हाथरस का दुर्दांत घटना किस सरकार ने किया है? आप ये बताइए, इस दर्द भरे माहौल में, इस दर्दनाक मंजर को देखने के बाद हम तुलनात्मक सरकार और कानून बनाने के बजाय जो है हम मुकम्मल बदलाव की बात करते हैं, और हमारी सरकार जब बदलेगी तो हम इन जो बलात्कारी लोग हैं जो बहन बेटियों के साथ जो है लगातार खिलवाड़ करने का जो मंशा पाले रखे हैं उन्हें जेल में जाना होगा और उन्हें मृत्यु दंड का प्रावधान हम लोग कराएंगे, इस बात को याद रखिए। ये तो रहे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, बजट को कि इनकी क्या राय थी आप लोग ने देखा, ऐसे ही हम और भी लोगों की राय जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।
कैमरामैन शशांक पांडे के साथ मैं संजना मलिक, देखते रहिए सिर्फ समाचार।